हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों मैं पाल बी वसनायत ट्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं मोस्ट वेलकम दोस्तों टंस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों में दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रही है और ठीक आज से 20 साल पहले मुझे भी क्या के साथ जुड़ने का मौका मिला जुलाई 2003 में जैसे आप इस प्रोग्राम में पहली बार आए होंगे या आते हैं आप रेगुलर आप नए होंगे शायद तो मैं भी इस बिज़नेस में आप ही की तरह आया था मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले इस इंडस्ट्री का नेटवर्क मार्केटिंग मैं हिमाचल में बॉर्न एंड ब्रॉड टप पढ़ाई लिखाई मेरी हिमाचल प्रदेश से और मैं नौकरी करने के लिए दिल्ली फरीदाबाद आया और मैंने यहाँ पर एक साल नौकरी की और लगभग चार साल मैंने छोटे मोटे काम किए और वन फाइन डे मेरी ज़िंदगी में, में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई और इसमें भी एक वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टियांस इंटरनेशनल के साथ मेरा रियल कैरियर जर्नी ऑफ माय लाइफ स्टार्ट हुई और आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पिछले बीस साल में जो अभी तक इंटरनेशनल किस प्लेटफॉर्म से मेरी जिंदगी बदली और साथ में मेरे जैसे अनगिनत लोग आज इस इंडस्ट्री से पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी बदल रहे हैं वही मौका दोस्तों आज आपके पास है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें सिर्फ 18 साल की उम्र मिनिमम एज और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे पैन कार्ड बैंक अकाउंट आधार कार्ड दैट्स इट। आपके पास कुछ करने का जज्बा होना चाहिए विलिंगनेस टू डू समथिंग इन योर लाइफ इस इंडस्ट्री में दोस्तों अगर आपकी जरूरत छोटी मोटी है आप छोटे मोटी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं इसलिए आप टियांस इंटरनेशनल में ज्वाइन किए हैं तो भी आपका स्वागत है यहां से आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ आपको लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सोशलाइज होते हैं एक कम्युनिटी बनती है जहाँ हम अपना गुड टाइम या कहो ना कि एक अच्छे लोगों के बीच में जब आप उठते बैठते हो तो आपको फीलिंग बहुत अच्छी रहती है पैसा अपनी जगह है लेकिन बहुत जगह पैसा नहीं दोस्तों रिलेशनशिप दोस्ती आउट ऑफ बिजनेस चीज़ें अच्छी लगती हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कभी वो चीज़ें नहीं होती उनके पास में कि वो इस तरह का विजन नहीं होता है या इस तरह का उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो बहुतों की तरह सोचें कोई बड़े ड्रीम लेकर इस बिजनेस में नहीं रहते हैं वो सिर्फ इसलिए हमारे साथ रहते हैं कि उनको अच्छा लगता है उनको खुशी मिलती है वो हमारी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं तो जरूरी नहीं है जो लोग आपके साथ जुड़े हैं सभी के सब आप जैसे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमेशा आपकी खुशी में उनको बहुत खुशी मिलती है आपकी कामयाबी में उनको बहुत अच्छा लगता है तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हमें इस इंडस्ट्री में रहते हुए इस इंडस्ट्री के टेम्परामेंट को समझना बहुत जरूरी है जैसे कि एज अ लीडर द क्वालिटी ऑफ ए लीडर जिसके बारे में आज आप चीज डिस्कस करने के लिए आपके बीच में आया हूं एज ए लीडर अगर आप अपने आप को लीडर समझते हैं तो आपको नर्व्स ऑफ द पीपल टेम्परामेंट ऑफ द पीपल इन इस इंडस्ट्री की पावर क्या हो सकता है ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है जब आप यहां पर लोगों से मिलते हैं लोग आपसे जुड़ते हैं ये बात बड़ी पक्की है उनके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं जो लोगों से मिलते नहीं हैं अगर आप इस बिजनेस में चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े हैं आप चाहते हैं बहुत आगे जाना है कामयाब होना है तो आपका काम क्या है दोस्तों लोगों से मिलना बहुत सिंपल क्वालिटी है क्या आप इस क्वालिटी को अडोप्ट कर सकते हैं मतलब आपको इसमें कोई पढ़ा लिखा होना कलाकार होना मास्टर होना नो no नीड इस इंडस्ट्री में मुझे यह फॉर्मूला सबसे बेहतरीन जबरदस्त लगा और यह गारंटी वाला मुझे लगा कि मैं इस काम को कामयाबी के साथ कर सकता हूं कब लगा जब मुझे पता चला इस काम में कामयाब होने के लिए मुझे एक काम करना है जो मैं कर सकता हूं और वो काम है मुझे सिर्फ लोगों से मिलना है हर रोज लोगों से मिलना है जितना हो सकता है अगर आप हफ्ते में हर रोज मिलते हैं सेवन डेज महीने में तीस दिन बहुत अच्छी बात है अगर हफ्ते में सातों दिन नहीं काम करते हैं आप पांच दिन भी काम करते हैं बहुत अच्छी बात है आप चार दिन काम करिए दो दिन काम करिए एक दिन काम करिए अगर आपने हफ्ते में एक दिन भी काम कर लिया तो भी महीने में आप चार दिन काम करेंगे और इन चार दिनों में आपको करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है सिर्फ आपको लोगों से जाकर मिलना है लोग आपके पास नहीं आएंगे आपको लोगों के पास जाना है और जब आप जाएंगे तो दो घटना घटेंगी सबसे पहले आपकी ईगो अरे मेरे को जाना पड़ रहा है बताना पड़ रहा है मैं तो छोटी हो गई ये जो भावना है ये ईगो के साथ तसल आपको अपने आप को अपने माइंड सेट को अपने एटीट्यूड को राइट मैसेज देना है जब आप कहीं जा रहे हैं आप कुछ देने जा रहे हैं आप छोटे नहीं हैं देने वाला हमेशा बड़ा होता है जिसने मुझे ये बिजनेस दिया जिसने मुझे बिजनेस बताया जिससे मेरी जिंदगी बदल गई उसने मैं मुझे बता के वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया बड़ा हो गया ना तो बताने वाला बड़ा होता है हमेशा क्योंकि उसके बताने से अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो कितनी बड़ी बात है तो आप जब लोगों के पास जाते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है इंपॉर्टेंट काम है आपको ये समझना है कि आप लोगों को भला करने के लिए जा रहे हैं लोगों का भला होना है लोगों की जिंदगी बदलनी है आप इसलिए जा रहे हैं लोगों के पास जब आप जा रहे हैं तो आपको इस बात की परवाह नहीं करनी है कि सामने वाले ने क्या सोचा क्या सोचती है दुनिया आपका काम पता लग गया मुझे सिर्फ लोगों के जाके मिलना है जब मिलते टाइम में कुछ बातें दिमाग में आती हैं उन दिमाग उन बातों से बचने का एक ही तरीका है अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी है आपको ट्रेन करना पड़ता है अगर आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है सुबह उठना जल्दी है आदत डालनी है तो अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि मुझे अब हर रोज डेली उठना है जल्दी उठना है जल्दी एक्सरसाइज करनी है आपको कुछ भी करना है पढ़ना है तो अपने दिमाग को समझाना पड़ता है मुझे पढ़ना है बैठ कर इधर उधर नहीं जाना है टाइम खराब नहीं करना है अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो दिमाग को बोलना पड़ता है नहीं एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फायदे होंगे शरीर को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी में जब आप दिमाग दिमाग को कमांड देते हैं अपने दिमाग से बात करते हो कम्युनिकेट करते हो अपने एटीट्यूड को ट्रेन करते हो तब जाके काम होते हैं दोस्तों किसी को अच्छा नहीं लगता है लेकिन जब ये पता है ना ये करने से ये होगा तो वो करना बहुत जरूरी होता है तो आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचनी है जब आप लोगों के पास जाते हैं लोगों के पास मिलते हैं जब लोगों से जाते हैं मिलते हैं तो आपको ये सोचना मैं देने जा रहा हूं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सामने वाले इंसान के घर में शानदार हेल्थ आ सकती है शानदार वेल्थ हैप्पीनेस, प्रोस्परिटी और एक ऐसा इनको सर्कल मिलने वाला है एक ऐसी कम्युनिटी मिलने वाली है एक ऐसी सोसाइटी मिलने वाली है जहां पर रहकर आज तक की जिंदगी में शायद उनको ऐसे दोस्त मिले ना मिले ऐसा माहौल मिला कि नहीं मिला अब आप उनके घर में या उनके पास जाकर एक ऐसा माहौल को देने की कोशिश करें एक माहौल में जोड़ने की कोशिश करेंगे आप जिस माहौल में वो पूरी जिंदगी मौज लेने वाले हैं। आपकी सोच ये है अगर और आपको पता है कि मुझे सिर्फ लोगों से जाके मिलना है अब ये हफ्ते में आप एक दिन काम करो हफ्ते में दो दिन काम करो हफ्ते में सात दिन काम करो दैट इज अप टू यू वो आपके हाथ में आप तीस दिन काम करो बीस दिन काम करो पंद्रह दिन काम करो दस दिन काम करो नो प्रॉब्लम अगर हफ्ते में आप एक दिन भी काम करोगे संडे के संडे छुट्टी अगर संडे को मिलती है आपको तो भी फिफ्टी टू डेज होते हैं बावन दिन और यकीन करना एक साल में बावन दिन अगले पांच साल में आप देख लीजिए कितने होते हैं ढाई दिन लगभग एक साल का काम होता है अगर आप हर हफ्ते काम करते हो आपकी टीम में भी लोग ऐसे हैं जिनको वीकली काम करते हैं जब आपकी टीम बहुत सारे लोगों की बन जाती है तो बहुत सारे लोग आपकी टीम में काम करते हैं आपकी जिंदगी बदल जाती है तो जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं जो साइड बाई साइड काम कर रहे हैं कोई दिक्कत बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों जब आप जाएंगे लोगों से मिलेंगे बातचीत करेंगे समझाएंगे बहुत सारे लोग नहीं जुड़ेंगे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे बहुत सारे लोग आराम आराम से काम करेंगे बहुत सारे लोग बहुत तेजी के साथ काम करेंगे जो तेजी के साथ काम कर रहा है उसकी क्वालिटीज उसका एक्शन मोड ये सारी चीजें अलग होंगी और वो भी लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ गए हैं लेकिन अभी वो इतनी स्पीड से काम नहीं कर रहा एक आदमी आपके साथ काम कर रहा है तीस के तीस दिन कोई बीस दिन कोई दस दिन कोई पांच दिन हर आदमी अलग अलग हो गया ना तो हमें हर आदमी के साथ इस तरीके से बिहेव करना है कि वी एक्सेप्ट हर आदमी आपकी जैसी स्पीड से नहीं दौड़ेगा आपको उसकी वैल्यू करनी है उसको रिस्पेक्ट देना है उस बात को एक्सेप्ट करना है और जब लोग मिले जुले हुए होंगे आपके साथ में जब लोग होंगे और वो अलग अलग क्वालिटीज के आपके साथ में होंगे और जब आपके साथ में टीम ऑफ पीपल्स होगा जब लोग बहुत ज्यादा होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत सारे लोग आपके ऐसे होंगे जो कंज्यूमर होंगे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी कभी कोई ना कोई ज्वाइनिंग दे रहे होंगे कोई ना कोई ज्वाइनिंग आ रही होंगी टीम में आपकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुड़ रहा होगा रैंडमली और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फास्ट फॉरवर्ड चल रहे होंगे तो आपको यह पता लग गया कि ये मार्केट का या लोगों का इस तरह का माहौल होता है तो हमें उनको कैसे ट्रीट करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में पांच एम की बात करूंगा मैं आज फाइव एम पांच एम पांच एम में अगर मैं बात करूं पहले एम की उसको बोलते हैं मॉडलिंग हम और आप लोगों को एक रोल मॉडल बनना है जो मैंने अभी क्वालिटीज बताई जो मैंने इस तरह का एटीट्यूड रखने की बात की मैंने आपको एक तरीके से यह बता दिया कि जैसे आप होंगे आपकी टीम में वैसा ही माहौल बनेगा वैसे ही कल्चर होगा आपकी टीम में लोग आएंगे हो सकता है धीरे धीरे करें और एक टाइम ऐसा आएगा वो फास्ट करना शुरू कर दें कुछ लोग हो सकते हैं बहुत फास्ट आएंगे लेकिन धीरे धीरे वो उनकी स्पीड स्लो हो जाए क्योंकि यहां पर आपके हाथ में किसी और के ऊपर कंट्रोल नहीं है यहां कंट्रोल आपका खुद पर है आपको हमेशा इस तरीके से पेश आना है इसको रिजल्ट पैदा करने रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर जब आप रिजल्ट पैदा करते हैं तो आप एक मॉडल बन जाते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं बहुत सारे लीडर हमारे पैनल में आपने देखा होगा कैसे अलग अलग टीमों को अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेट में लीड कर रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भी अपने राज्य में अपने टाउन में अपने कस्बे में टीम को लीड करेंगे लेकिन उसमें पहला फार्मूला यही रहेगा कि आप अपनी टीम को मॉडलिंग कर रहे हो अपनी टीम को लीड कर रहे हो अपनी टीम के साथ में आप इस तरीके से हो कि आप आगे रह के हर चीज को तो करते हो और आपकी टीम आपको फॉलो करती है क्यों करती है क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा है उन्होंने देखा है आपको करते हुए आपको उन्होंने नेता इसलिए माना है क्योंकि आपकी एक्टिविटी बता रही है यू आर लाइक अ लीडर क्योंकि एक लीडर टीम का आदर्श होता है मॉडल होता है रोल मॉडल जिसको मैं कहता हूं वो अपनी टीम की सहानुभूति रखता है वो सिंपैथी रखता है वो लोगों को अंडरस्टैंड करता है अपनी टीम को अंडरस्टैंड करता है अलग अलग लीडर की अलग अलग क्वालिटी को एक्नोलाइज करता है अलग अलग लीडर की क्वालिटीज भी हैं और अलग अलग लीडर की कमियां भी होती हैं, उन सब को समझते हुए अपनी टीम को एक तरीके से लीड करने की जो नीति है उसमें यही है कि आप टीम के अंदर जो क्वालिटीज हैं और जो उनके अंदर कमियां हैं उन दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए आप उनके साथ बिहेव करते हो उनके साथ कम्युनिकेट करते हो और कदम से कदम मिलाकर हाथ से हाथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने की आप कोशिश करते हैं। जब आप मॉडल होते हैं तो आप उनको दिखाते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूं आप भी कीजिए उनके साथ बात करते हो आप मैं इस तरीके से काम करता हूँ मैं इन चीज़ों को अडॉप्ट करता हूँ कि इस बिज़नेस की क्वालिटी है इस बिजनेस में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने एक ही बात कही है ये बिजनेस कितना आसान है इतना आसान है कि अपने सीनियर से पूछो कैसे अपनी टीम को बता दो वैसे और बीच में कमा लो पैसे जो मैं यहां बता रहा हूं सारे लोग पैनल में नहीं होंगे बहुत सारे लोग पैनल में नहीं है उनको कौन बताएगा दोस्तों उनको आपको बताना है उनको ट्रेनिंग आपको देनी है कईयों को टाइम की दिक्कत हो सकती है कईयों का हो सकता है अभी इतना ज्यादा सीरियस नहीं है बहुत सारी चीजें होंगी टीम में बट इस बात को आपको देखना है कि ये काम मुझे करना है खाली लेना ही नहीं है जो लिया उसको देना है और जितना आप दोगे उतना ज्यादा आप उसमें महारत हासिल होगी जब आप दिखाते हैं कि सिंपैथी एक लीडरशिप और एक सबमिशन अगर ये चीजें आप अपनी टीम में दिखाते हो कि देखो मैं अपने अपलाइन के साथ कितना सबमिशन में हूं मैं के लिए कितना लॉयल हूं मैं टियांस के प्रति मेरा किस तरह का नजरिया है मैं अपने मेंटर्स अपने गुरु अपने कोच के लिए मैं कितना सबमिशन में रहता हूं अगर ये बातें अगर अपनी टीम को आप महसूस कराते हैं दिखाते हैं टीम आप जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं वो देखते हैं आप करते क्या है आप जैसे पैनल में आके कोई बात बोलते हैं पैनल में आके आप तारीफ करते हैं अपने मेंटर्स की है ना आप टियांस की या आई सिस्टम की वो मैटर करता है दस परसेंट नाइंटी परसेंट मैटर करता है जब आप टीम मीटिंग करते हैं उस टीम मीटिंग में आप एडिफिकेशन जो करते हैं कंपनी की कितनी करते हैं कितना फेथ है बिलीव है वो पता चलता है लोगों को जब आप लोगों से बात करते हो अलग अलग मीटिंग करते हो कम्युनिकेट करते हो लोगों से तो आप कितना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं क्या के लिए आइडी सिस्टम के लिए और साथ में अपने उन मेंटर्स के लिए जब ये एडिफिकेशन एक वर्ड है दोस्तों अगर आपने एडिफिकेशन सीख लिया आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी लोग साथ काम करेंगे लोगों का रिटेंशन होगा लोग कुछ तो नहीं करेंगे आपके लोग इनएक्टिव नहीं होंगे एक्टिव लोग बढ़ेंगे अगर आपने अपनी टीम को सही दिशा दी सही मार्ग दिखाया तो यकीन करना आपकी टीम आपको एज ए रोल मॉडल फॉलो करेगी और आपकी टीम डेफिनेटली ग्रो नहीं करेगी मल्टीप्लाई करेगी दोस्तों क्योंकि आप इन पैरामीटर्स को समझते हो और इन पैरामीटर को आप यूज कर रहे हो पहला एम है दोस्तों आप रोल मॉडल बने मॉडलिंग जिसको कहते हैं एक सही सीनियर लीडर कहते ना एक सही लीडर जब फॉलोअर पैदा करते जो फॉलोअर होते हैं जब किसी सही लीडर को से लीड लर्न करते हैं तो वो अच्छे लीडर बनते हैं जब हम अच्छे किसी टीचर से पढ़ते हैं तो हम अच्छे स्टूडेंट तो होते हैं लेकिन आने वाले टाइम के अच्छे टीचर भी हम ही होते हैं तो नंबर वन है कि आप रोल मॉडल बने अपनी टीम के लिए और नंबर टू है दोस्तों आपके लिए वो है मेंटरशिप सेकंड एम है मेंटर आपको मेंटर मतलब गुरु की तरह आप अपनी टीम को हमेशा अपने एक्सपीरियंस से और जो आप पास नॉलेज है इस इंडस्ट्री की इस इंडस्ट्री की पावर है इस इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इस बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन का बिजनेस नहीं है इस बिजनेस में मल्टीप्लाई होता है बिजनेस आपने दस आदमी को जोड़ा एग्जाम्पल है दस आदमी फिर बारह आदमी फिर पंद्रह आदमी ऐसे ऐड नहीं होता है इसमें एक दो तीन चार पाँच छऐ ऐसे नहीं बढ़ते हैं इसमें बढ़ते हैं दोस्तों अगर आपने दस लोगों को इंट्रोड्यूस किया और दस लोगों ने दस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो कितने हो गए सौ लोग आपकी टीम और उन सौ ने मिलकर फिर दस दस लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो कितने हो गए एक हजार लोग सिर्फ दस लोगों को कितना इंट्रोड्यूस किया मात्र दस दस को ज्यादा होते हैं आपने दस को किया सिर्फ लेकिन उन दस ने आगे दस दस कर दिए कितने हो गए सौ लोग वैसे एक सौ दस हो गए आपको मिला के लेकिन मैं कहता हूं आपको छोड़ लेते हैं आप वो जो सौ लोग हैं उन सौ लोगों ने आगे दस दस को आगे किया कितने हो गए एक हजार एक हजार सौ और दस आप एक आप राइट तो आप कितने हो गए एक हजार एक सौ दस ऐसी अगर उन एक हजार लोगों ने अगर दस को इंट्रोड्यूस किया दस हजार और आ सकती इसमें इतनी शानदार इतनी जबरदस्त ग्रोथ के चांसेस क्यों हैं वो वाली बात है कि जब तक पासा नहीं आपका सही बैठा है ना जब तक आपका सही पासा नहीं पड़ा लग बात है एक बार अगर आपकी गोटी फिट हो गई तो जिंदगी का बेड़ा पार है और इसलिए जब आपको पता है ये बिजनेस का नेचर ये है इसकी पावर ये है करना क्या है डुप्लीकेशन करना है जो यहां बैठे हुए कामयाब को सुनिए क्या बोलते हैं वो उनको देखिए जब देखो वो सबमिशन में बातें करते हैं जब देखो यूनिटी की बातें करते हैं जब देखो वो डुप्लीकेशन की बातें करते, बाते करते हैं करते क्या है यूज शेयर एंड केयर ये तीन काम करते हैं बस ये एक जज्बे के अंदर है जोश के अंदर है और उसका रिजल्ट सामने है। ये काम कौन करता है ये एक मेंटर का रोल है एक जो मेंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है कि वो लगातार अपनी टीम के अंदर एक्साइटमेंट जोश बनाए रखता है अपने एक्सपीरियंस से और अपने ज्ञान से तो जो यहां ज्ञान बांट रहे हैं हम लोग अभी मैं ज्ञान ही बांट रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में और जब आप मेंटर होते हैं तो आप सोल्यूशन देते हैं अपनी टीम को समाधान देते हैं आप मदद करते हैं उनको उनके चैलेंज में उस स्थिति में क्या सोचना है उस स्थिति में क्या करना है यह आप बताते हैं इसीलिए आपको मेंटर बोला जाता है और आप पर्सनल तौर पे प्रोफेशनल तौर पर उनको आप हमेशा इंकरेज करते हैं अगर आपके अंदर इस तरह की क्वालिटीज आ गई है यू आर अ मेंटर अगर आपने ये क्वालिटीज नहीं है दोस्तों आप चाहते हो मैं मेंटर बनूं लोग मुझे मेंटर बनाएं आपके बोलने से आपके चाहने से कोई नहीं आपको मेंटर बना रहा है अपलाइन होना एक अलग बात है मेंटर होना एक अलग बात है आपको एजुफिकेशन एज ए मेंटल इंसान तभी कर सकता है एज ए कोच एज ए गुरु तभी कर सकता है जब इस तरह के गुण जो मैंने अभी आपको बताए अगर वो आपके अंदर हैं क्योंकि एक अच्छा जो मेंटर होता है ना दोस्तों उसको अपनी टीम को मजबूत करने की जिम्मेवारी होती है आपको अपनी टीम को मजबूत करना है अगर आप अपनी टीम को मजबूती दे रहे हैं अपनी टीम को मजबूत करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं जो कि आई सिस्टम की वजह है आई सिस्टम का जन्म क्यों हुआ सिस्टम का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि हम एक अच्छा माहौल बनाना चाहते थे जिसमें लीडर्स हो, लीडर्स डेवलप डुप्लीकेट हो और लीडर्स की फैक्ट्री पैदा हो जो मिशन गोल्ड लाइन है यकीन करना आई सिस्टम की देन है आई सिस्टम ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है इंडिया में इंडिया में टियांशनल में आज गोल्ड लाइन बनना एक नया लीडर आता है एक नया सदस्य हमारे साथ जुड़ता है उसकी फीलिंग ऐसी होती है कि सर मैं भी बनकर दिखाऊंगी गोल्ड लाइन या गोल्ड बनाऊंगी बना, 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 या बनूंगी या बनाऊंगा गोल्ड लाइन में एक साल में दो साल में तीन साल में ऐसी फीलिंग है क्यों है बिकॉज इस तरह की फीलिंग इसलिए आती है जहां पर माहौल होता है एटमोस्फियर होता है जहां इस तरीके से ट्रेनिंग होती हैं कॉन्फिडेंस जनरेट होता है ट्रस्ट जनरेट होता है एक्साइटमेंट जोश फ्यूचर नजर आता है अपना विजन बनता है जिंदगी में ड्रीम बन जाता है इंसान जहां लोग सिर्फ गुजारा करने की सोच रहे होते हैं वहां लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की सोचते हैं जहां लोग छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने की सोचते थे यहां पे सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के सपने के लिए एफर्ट्स डालते हैं और यहां देखते ही देखते एक एक साल के अंदर दो दो साल के अंदर आप अपने सपनों को पूरा करते जा रहे हैं जहां जरूरतें पूरी नहीं होती थी आज सपने पूरे हो रहे हैं बिकॉज उस एनवायरमेंट की वजह से उस मेंटरशिप की वजह से तो आपको ये देखना है क्या सेकंड क्वालिटी एक क्वालिटी ऑफ जो है ना लीडर्स में जिसमें मैंने कहा पहला क्या है मॉडलिंग रोल मॉडलिंग नंबर टू मेंटरशिप और नंबर तीन है दोस्तों थर्ड एम पांच एम की बात कर रहा हूं मैं आपसे आज थर्ड एम है जिसको कहते हैं यू हैव टू बी अ मॉनिटर एक मॉनिटर की तरह काम करना है और याद आता होगा आपको अपने बचपन की पढ़ाई लिखाई के दिन आपके क्लास में कोई हुआ करता था, राइट? उसको जाता था? और वो मॉनिटर क्यों होता था वो शायद याद आ रही होंगी आपको फीलिंग आ रही होंगी और एक लीडर जो होता है उसको एज ए मॉनिटर की तरह भी काम करना होता है थर्ड क्वालिटी है आपको अपनी टीम को अगर ग्रोथ देनी अपनी टीम को आगे ले जाना है टॉप पे ले जाना है आपको एज ए मॉनिटर की तरह काम करना होगा एक मॉनिटर की तरह समझना होगा चीजों को कि मुझे अपनी बिजनेस को ग्रो करना है मुझे अपनी टीम को ग्रो करना है तो मुझे एज ए मॉनिटर अपनी टीम को ध्यान देना है आपको अपनी टीम को देखना है कौन लीडर कितना काम कर रहा है जो लीडर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है मेहनत कर रहा है बिजनेस डेवलप कर रहा है उसके बारे में आपको ट्रैक करना है आपको देखना है जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनका क्या चैलेंज ऐसा है जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे जब आप रूट कॉज ढूंढेंगे जब आपको कुछ कारण पता चलेंगे तभी आप समाधान दे सकते हैं जब आपको यह पता होगा मेरी टीम में इतने लोग हैं इतने में से इतने लोग बहुत एक्टिव हैं, इतने लोग कुछ एक्टिव हैं इतने लोग बहुत कम एक्टिव हैं और इतने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंज्यूमर हैं तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपको अपने जो फोकस है जो आपका एनर्जी है कहाँ पर लगाना है अगर आपने सही जगह अपनी एनर्जी लगा ली अपना फोकस बना लिया तो यकीन करना काफी सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों वो सिर्फ माहौल को चेक कर रहे होते हैं कि ये जो जोड़ते टाइम में हमें बोला गया था ये जोड़ते टाइम में जो इनके मीठे मीठे वचन थे बड़ा बातें कर रहे थे हम आपके साथ खड़े हैं सपोर्ट करेंगे ये है वो है बहुत सारे लोग होते हैं जो दूध के जले होते हैं ना वो लस्सी को भी फूंकते हैं उनको डाउट होता है आपके ऊपर क्या आप इतने अच्छे हैं हो सकते हो क्या उनको डाउट होता है आप इतने अच्छे हो नहीं सकते हो जितने अच्छे आप बन रहे हो तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें दम बहुत होता है लेकिन वो हमेशा दूध के जले होने की वजह से किसी वजह से पास्ट बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो आपके ऊपर यकीन नहीं करते हैं और उनका यकीन हकीकत में तब बदल जाता है जब उनको आप भी वैसे मिलते हैं जैसे उनको लगता था कि दुनिया ऐसी है लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे कैसे आपके साथ ज्वाइन तो कर लिया बट आपने उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया दोस्तों अगर आप किसी को अटेंड नहीं करते हैं ये सोचकर यार मैं अगर इसको अटेंड करूंगा ना तो फिर मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी इसका ध्यान रखना पड़ेगा इससे बातें करनी पड़ेगी इसका कॉल अटेंड करना पड़ेगा है ना इसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा और ये काम मेरा तो है नहीं ये काम तो मेरी डाउनलाइन को करना चाहिए किसी और को करना चाहिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कहते ना कभी कभी आप पत्थर खोजने में इतने बिजी हो गए कि डायमंड आपके हाथ से निकल गया छोटे मोटे पत्थरों में ही आप इतने बिजी हो गए कि आप डायमंड आपके हाथ से निकल गया क्यों क्योंकि आप बिजी थे आप कहां बिजी थे पत्थरों को इकट्ठा करने में बिजी थे डायमंड आपके हाथ से निकल गया आपको नहीं पता आपकी टीम में अलग अलग डायमंड डायमंड है सुपर तो सभी हैं। बट कहते हैं ना जो कटने के लिए तैयार है स्ट्रगल के लिए तैयार है जो अपनी कमियों को दूर करने के लिए तैयार है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है भागना चाहता है मेहनत करना चाहता है ऐसे डायमंड को अगर आप खोना नहीं चाहते हैं एज ए मोनिटर आपको अपनी टीम की मोनिटरिंगशिप करनी है अपनी टीम में देखना है कौन सदस्य कहां पे जुड़ा है किसके अंतियाई है वो कहां से किस बैकग्राउंड से आया है वो इस माहौल में आकर उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन ही खतरनाक हो सकता है आपको लगता है कि इसकी एक्सपेक्टेशन जो है तो आप यही नहीं बोल सकते हो नहीं नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है अगर आपने किसी को भी ये कह दिया आप गलत हो वो आपका दुश्मन है उसके साथ आपका खेल खत्म है कोई कितना भी गलत है वो कभी ये सुनना ही नहीं जाता है वो गलत है उसके लिए तो वही फार्मूला है थ्री एफ फील फाउंड कि सर शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही सोचता था बट प्रैक्टिकली जब मैंने अपने मेंटर से चीजें सीखी अपने गुरु से सीखी तो मुझे पता चला मुझे इन चीजों पे ध्यान ना देके सर इन चीजों पे ध्यान देना है आप वो क्या गलत है उस पर मना बहस डिस्कस करके दोस्तों आपके पास क्या सही चीज है ना आप उस पर डिस्कस करिए क्या होगा कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा कभी भी कोई डिबेट नहीं होगी उसने जो मर्जी बोला आपने फोकस यहां नहीं करना है आपने फोकस यह करना है कि आपको पास क्या सही चीज है जो उसको बताने की जरूरत है आप कभी कभी आपको सामने वाले ने आगे कोई गलत क्वेश्चन कर दिया उसका जवाब देना जरूरी नहीं है और सबसे बड़ी जरूरी यह है कि उस क्वेश्चन का जवाब देना अवॉइड करना यह बोलना कि चलो सर इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर कोई नहीं मानता तो आप ये बोलिए कि अभी से फिलहाल इस पे बात करते हैं इसके ऊपर फिर बाद में डिस्कस कल कर लेंगे डिस्कस अगली बार कर लेंगे डिस्कस क्योंकि आपको पता है ये जो इश्यू है ये जो बातें कर रहा है ये कंट्रोवर्शियल है एज ए मॉनिटर आप देख रहे हो अपनी टीम में कौन क्या क्या है कहां से आया है क्या एक्सपेक्टेशन है क्या कर सकता है तो क्या होगा दोस्तों कि आपकी टीम कब आपकी जो ग्रोथ आज है वो ग्रोथ कितनी गुना बड़ी हो सकती है वो आप तब महसूस करेंगे जब आप करेंगे एज ए लीडर यू हैव टू बी लाइक अ मॉनिटर तभी आप लोगों की स्थिति को समझ पाएंगे तभी आप उनका जो चैलेंज है उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जो एक्टिव लीडर हैं उनकी गति और एक्टिव हो जाए ये बहुत बढ़िया है अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे जो सोशलाइज हैं अभी जुड़े हैं उनको अच्छा लगता है उनको उनके ज्यादा एम्बिशन नहीं है ना ज्यादा सपने हैं ना कोई बड़े बड़े अभी टारगेट है उनके मन में लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहकर तो आप उनको जबरदस्ती धक्का मत मारिए ज्यादा पुश करोगे तो वो लोग भाग जाएंगे छोड़ के आपको बोलेंगे भाई साहब जब देखो यार मैं तो इसलिए था मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ अच्छी करनी थी मुझे तो आपके साथ बैठ के अच्छा लगता था लेकिन अब ये जो बार बार प्रेशर डालते हो ना अब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा तो आप क्या कर लोगे उनका कुछ कर सकते हो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप उनका है ना तो बेटर ये है कि आपको साइकोलॉजिकली पता होना चाहिए क्या क्या चीजें घटती हैं एज ए मॉनिटर अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपनी टीम की आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं मैं एक बात तो और बताने चाहूंगा कंट्रोल करना अलग चीज है और मॉनिटर करना अलग चीज है कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप किसी को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तब भी दिक्कत आएगी यू आर नॉट बॉस आप कोई बॉस नहीं है यहाँ हम सब लोग बॉस हैं हम सब लोग यहाँ पर एज ए बिजनेस पार्टनर हैं हमारी कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर लिजनियोर जो मल्टा बिलनियर है आज अरबों पति इंसान है खरबों पति इंसान है वो भी ये बोलते हैं जनेस पार्टनर यू आर द बॉस क्यों बोलते हैं आप सुनना उनकी स्पीच जिनकी स्पीच में आपको ये शब्द मिलेंगे कि उनको पता है कि हमें रिकोगनाइज करना है लोगों को कि दे आर द बॉस और बॉस का मतलब होता है जिम्मेवारी जितना बड़ा इंसान होता है उसके पास उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है और जिंदगी में जो जिम्मेवारी लेने की जिनको आदत होती है तो भगवान उनको बड़ा इंसान बनाता है तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत लंबा टॉपिक है बट मैं एक और टॉपिक पे आना चाहूंगा जिसको मैं कहता हूं मोटिवेटर आपका जो नेक्स्ट रोल है उसको बोलते हैं चौथा एम मोटिवेटर बनना आप अगर आप लीडर हैं तो यू हैव टू बी मोटिवेटर आपको मोटिवेट करना है लोगों को क्या आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं मोटिवेट करना एक बहुत ही जबरदस्त गुण है दोस्तों इसके फायदे ये हैं कि जब हम किसी और को मोटिवेट करते हैं ना तो हम खुद भी मोटिवेट हो रहे होते हैं आप देखना जब आप किसी और को मोटिवेट कर रहे हैं आप खुद महसूस करोगे आप खुद मोटिवेट हो रहे हो आप किसी को पॉजिटिव करके आइए अगर आपको पॉजिटिव रहना है पॉजिटिव बनना है है ना पॉजिटिविटी की खान बनना है पॉजिटिविटी का मैग्नेट बनना है आपको चुंबक बनना है डेली चार लोगों को मोटिवेट करो मोटिवेट का मतलब क्या होता है सामने वाले को पॉजिटिव टॉक करना पॉजिटिवली उससे बात करना जब आप दूसरों को बताते हो ना कि भाई जो आपके अंदर दम है ना वो बहुत दम है आप में आप कर सकते हो आप एग्जांपल देते हो देखो उस बैकग्राउंड का इंसान ने किया इस बैकग्राउंड का इंसान ने किया उसने भी किया इसने भी किया, इसने भी किया। जब आप चार तरीके के लोगों के बारे में आप बताते हो ना तो सामने वाले का मनोबल बढ़ता है आप दो चार स्टोरी बताते हो देखो पाल जी हैं वो योगराज है, जी हैं वो वासुदेव जी हैं वो प्रवीणा जी हैं वो वनीता जी हैं वो अमरीश जी हैं आप जैसे बहुत सारे लीडर हमारे बीच में लेकिन अगर आपने दो तीन लीडरों की बातें भी कर ली किसी लीडर से आप मोटिवेटर बन गए और मोटिवेटर जब बनते बनते आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फीलिंग आ रही है जो फीलिंग आप उसको दे रहे हो वही फीलिंग आपको भी आ रही है हाँ यार मैं समझा रहा हूँ ये तो मेरे लिए भी है वो आपके लिए चुंबक की तरह काम करता है एज ए मोटिवेटर मोटिव जो आप मोटिवेशन देते हैं लोगों को तो आप खुद भी मोटिवेट होते हैं मतलब डबल फायदा है तो आज आपने आपसे पूछिए क्या आप मोटिवेट करते हैं लोगों को दो चीज़ें होती हैं या तो मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं है ना या तो हमारी बातों से लोग एक्साइटेड होते हैं या हमारी बातों से लोग बैटरी डाउन हो जाती है अगर आप पॉजिटिव बातें करते हो तो मोटिवेशन आती है जब आप नेगेटिव बातें करते हो किसी की भी नेगेटिव बातें कर लो जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव आपको पता होता है मैं नेगेटिव कर रहा हूं या कर रही हूं मान के चलना डीमोटिवेशन हो गया और जब आप पॉजिटिव बातें करो आप बोलो मैं मोटिवेटर कैसे बन सकता हूं मैं बोलो आप पॉजिटिव बातें करनी शुरू कर दो घर में परिवार में बाहर वालों में टीम में अपलाइन में डाउन लाइन में क्रॉस कहीं भी आपसे बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं हो आप क्या बन गए मोटिवेशनल स्पीकर बन गए जब आप मोटिवेट करने की आदत पड़ जाएगी आपको जब मोटिवेट करने की कला आपके अंदर आ जाएगी वो कहते हैं ना फिर वो कहानी होती है कि आप पत्थर भी गुनगुनाने लगे है ना कि पत्थर से भी आवाज आ मोटिवेशनल लेवल देखिए आप अगर आपके अंदर लोगों को मोटिवेट करने की कला आ गई और ये कैसे आएगी मैंने सिंपल बताया पॉजिटिव टॉक कीजिए पॉजिटिव बातें करिए पॉजिटिव बातें करते 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 आप खुद में ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं और सामने वाले के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ता है वो इंस्पायर होता है आपसे एक्साइटेड होता है उसका बिलीफ उसका फेथ आपकी इस मोटिवेशन की वजह से बढ़ता है आपकी इस पॉजिटिविटी की वजह से बढ़ता है क्या आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं क्या आप जब लोगों से बात करते हैं आप हाईली पॉजिटिव होकर बातें करते हैं एक्साइटेड होकर बातें करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर वो नहीं होता है बिल्कुल मरा हुआ है बारह बजे पड़े हैं क्या मोटिवेट करेगा इंसान जिस आदमी के अंदर जोश होता है एक्साइटमेंट होता है पॉजिटिविटी होती है उम्मीद होती है पॉजिटिव टॉक कौन करता है जो फ्यूचर में उम्मीदें देखता है आने वाले एक साल में हम जिंदगी में ये करेंगे दो साल में ये करेंगे तीन साल में अगले पांच साल में पूरी जिंदगी बदल देंगे अगले तीन साल में पूरी जिंदगी बदल देंगे साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल कौन सा काम है दुनिया में इस काम की पावर है दोस्तों इस काम में वो शक्ति है साल दो साल तीन साल जिंदगी बदल सकती है छत्तीस महीने साल में बारह महीने दो साल में चौबीस महीने तीन साल में छत्तीस महीने चार साल किसी को लगे तो अड़तालीस महीने और पांच साल लगे तो साठ महीने साठ महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा 2020 में कोरोना 21 में कोरोना 22 में भी कोरोना दो साल तो जबरदस्त रहा ना तब भी धूम मचाई लोगों ने निकल गए 24 महीने पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी आज देखिए लगता नहीं कि कभी कोरोना हुआ होगा क्यों ऐसी चलती जिंदगी ऐसी चलती दुनिया तो आपको मोटिवेटर बनने का एक मौका है और इस बिजनेस में आपको मोटिवेटरी बनना है आपके अंदर क्वालिटी अगर ये आ गई यकीन करना आपको देखते देखते जिंदगी बदल जाएगी मैं इसलिए बोलता हूं बारह चौबीस महीने छत्तीस महीने कोई ज्यादा नहीं होते हैं अरे अगले छत्तीस महीने मेहनत कर लो अगले बारह महीने दवा की मेहनत कर लो चौबीस महीने मेहनत कर लो छत्तीस महीने अड़तालीस महीने साठ महीना लेकिन जिंदगी भर मौजा ही मौजा कैसा रहेगा क्या आप करना चाहेंगे तब मन करता है डेली आने का वेबनार में तब मन करता है डेली फील्ड में जाने का तब मन करता है जब आपके सामने उम्मीदें हैं भरोसा है ऑप्टिमिस्टिक हैं पॉजिटिविटी है एक्साइटमेंट है, है, है जोश है ये नहीं है आज क्या हुआ कल क्या हुआ परसों क्या हुआ दो दिन में क्या हुआ दस दिन में क्या हुआ दो महीने में क्या हुआ चार महीने में क्या हुआ नथिंग ये महीना दो महीना छह महीना साल का, का काम नहीं है ये लाइफ टाइम का काम है हमेशा के लिए बदल जाएगी हमेशा के लिए फॉर एवर क्या आप फॉर एवर जिंदगी बदलना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए जीवन कुछ और हो जाएगा जीवन की धारा ही बदल जाएगी आप बताएं ये बात सबसे बड़ा सच है दोस्तों किसी को पता है जिंदगी कितने दिन की है आपको पता है आज से पांच साल बाद क्या होगा आपके साथ आज से दस साल बाद क्या होगा आपके साथ आज से दो साल बाद क्या होगा किसी को एक पल की पता नहीं है तो जो लोग ये सोचते ना अभी हम तो भाई साहब अभी तो नहीं है पाँच साल बाद करेंगे इस काम को दस साल बाद एक बार सेट हो जाएंगे तब काम करेंगे मैं बताना चाहूंगा नाइन्टी फाइव परसेंट लोग सेट है ही नहीं और हो भी नहीं सकते उसकी वजह यह है सबसे पहले तो उनके बाद मौका नहीं है अगर मौका मिल गया तो समझने के लिए समझाने के लिए लोग नहीं है कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है सबको अपनी पड़ी है हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना हमारा फायदा ही तब होता है हमारी ग्रोथ ही तब है हमारी तरक्की ही तब है जब हम लोगों की कराएंगे अगर हमारी मजबूरी है हम मजबूरी में अच्छा काम कर रहे हैं सोचो आप इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप मजबूरी में कर रहे हो क्योंकि आपके प्रोफेशन का ये काम है मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मुझे मोटिवेट करना है मुझे इंस्पायर करना है मुझे पॉजिटिव करना है और जिससे सामने वाले का बेड़ा पार होना है और उसका बेड़ा पार होने का मतलब है मेरा भी बेड़ा पार होना है अगर उनका लोगों का कुछ नहीं होगा तो हमारा भी कुछ नहीं होगा इससे बेहतरीन काम कोई हो सकता दुनिया में दिस मैजिक तो क्या अगले बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने अड़तालीस महीने साठ महीने कुछ ज्यादा है क्या बट अगर आपने वाकई में आप में जुनून है जोश है पागलपन है फिर लगना पड़ेगा आपको कैजुअल एटीट्यूड से निकलना होगा सीरियसनेस पे आना होगा क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो भी आप मौज खुद ले सकते हो आपके बच्चे ले सकते हैं आपके परिवार ले सकता है। आज जो पल आपने जिया ना वही आपका अपना है अभी तक आप कैसी जिंदगी जिए यही यादें रहती हैं लास्ट में दोस्तों अगर आपने गुड टाइम दिया अपनी फैमिली को तो आपकी फैमिली जब मरते दम तक आपको उसी हिसाब से याद करेगी कि कितना केयरिंग थे कितना कुछ करते थे कितना कुछ रहता था अगर अभी तक कुछ नहीं किया ना तो क्या बोलेंगे क्या कर सकते हैं और लेकिन उसमें वो चीज नहीं होगी मिसिंग नहीं होंगी मिसिंग क्या मिस करते हैं क्यों कुछ ऐसा किया ही नहीं मिस करने वाला राइट तो कुछ ऐसा करना होगा दोस्तों सबको मैंने जीवन में हमेशा ये सोचा कि मुझे लाइफ ईच मोमेंट लिव लाइक अ क्यों? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये नहीं है कि आज की बात आज से बीस साल पहले जब मैंने कैरियर शुरू किया जब मैं क्यों बोलता हूं क्यों, क्यों मौज लेनी है ना कब पांच साल बाद दस साल बाद किसको तो पता है पांच साल दस साल बाद होगी कि नहीं होगी पता नहीं है जब आपको रिस्क लेना है पांच साल बाद दस तो रिस्क है नहीं हुआ तो मैं बोलता हूं अभी रिस्क ले लो अभी काम करो मेहनत करो साल दो साल तीन साल में क्लियर हो जाएगी पिक्चर और एक हजार परसेंट क्लियर है कि जो चीजें हम सिखा रहे हैं जिस तरीके की बातें बता रहे हैं अगर आप फॉलो करेंगे ना हंड्रेड परसेंट सक्सेस वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रैक्टिस आपके पास में वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग आपके पास में अब नहीं तो कब क्या नहीं तो और क्या आई नेट नहीं तो क्या इस मेंटरशिप में नहीं कर सकते तो कब करेंगे है दोस्तों इसको बोलते हैं मोटिवेटर बनने का मामला अभी समझ लो मैं थोड़ी देर में थोड़ी देर तक आपके साथ में एक मोटिवेशनली टॉक कर रहा था एक तरीके से है ना बन गया ना मोटिवेटर ऐसे बनते हैं मोटिवेटर जो बातें मैंने बताई हैं इस बात में दम है कि बारह महीने दबा के मेहनत कर लो चौबीस महीने साल दो साल ऐसी मेहनत करो हमेशा के लिए जिंदगी बदल जाएगी लास्ट में बात आती है जो आपके मतलब की है मेरे मतलब की हम सबके मतलब की है उसको बोलता हूं मैं आपको एक मार्केटर बनना है मार्केटर बी या मार्केटर जिसको बाजार के बारे में पता होता है मार्केट के बारे में पता होता है इस बाजार की समझ है आपको जिस इंडस्ट्री में आप आए हैं क्या आपको आइडिया है ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं आप हेल्थ की इंडस्ट्री में हैं और मैं बोलूं कहीं ना कहीं पर तो मेडिकल इंडस्ट्री में हम लोग आप डॉक्टर हैं नहीं है आपने मेडिकल की कोई पढ़ाई लिखाई की थी नहीं की थी फिर भी फिर भी आप हैं आपको कोई चैलेंज कर सकता है कोई नहीं कर सकता है एक ऐसी रेगुलेटेड बॉडी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत इज्जत और मान सम्मान मिलता है हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं जिन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की कभी बिजनेस नहीं किया कोई काम धंधा नहीं किया कभी लोगों से बातें भी नहीं की जाकर लेकिन इस काम को करते करते ऐसे ऐस से हमारे पास एक नेपकिन है एग्जाम्पल है।, है ना हमारी बहन बेटियों के लिए एक बहुत ही वंडरफुल प्रोटियांस ने बनाया सैनिटरी पैड आज करोड़ों बहनें एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका आज तक उनको इलाज महसूस नहीं होता था इलाज भी है कि नहीं उनको लगता था मेरी दादी को भी था फिर मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो गई थी अब यही बीमारी मेरे को भी हो गई है इन्फेक्शन की प्रॉब्लम इन्फेक्शन के रूप में कई बीमारियां आती हैं तो अलग अलग टाइप की बीमारी होती है हाँ मेरी चाची को भी था ये वाली बीमारी अच्छा मेरी ताई को भी था या मेरी मम्मी को भी था मतलब हम रिलेट करते हैं और हमें संतुष्टि मिल जाती है कि नॉर्मल है ये नॉर्मल बात है नहीं नॉर्मल नहीं था ये बीमारी थी इससे जिंदगी गई है जिंदगी खत्म हो गई है साइलेंट किलर है ये आज हमारे नेपककिन की वजह से उन प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से उन बहन बेटियों की जिंदगी बेटर हो रही है ठीक हो रही है रिलीफ मिल रहा है अच्छी हो गई है आप सोचिए अब इसमें क्या लेना देना उस डिग्री का आप डॉक्टर हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है सामने वाले को फायदा मिला है तो सोचो एक अनपढ़ भी है चाहे इन्होंने कभी कभी काम धंधा भी नहीं किया चाहे कभी कभी गई नहीं कहीं पे मार्केट में आज उनको भी मार्केटिंग करने का मौका मिल रहा है मार्केटर बन गए हैं मार्केटर बनने का मौका आपको पांचवा एम है मार्केटर बनना है क्या बनना है मार्केटर आपने मॉडलिंग कर ली मेंटरशिप कर ली मॉनिटरिंग कर ली मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए आप है ना लोगों को मोटिवेट करने वाले भी बन गए अब क्या बन रहे हैं आप लास्ट में मार्केटर मार्केटर वो होता है जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में अपनी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज होती है पता होता है अब आप, आपको यहां पर ट्रेनिंग क्या मिलती है ताकि आप इस इंडस्ट्री के लिए आपकी पॉजिटिविटी ना होते कभी कभी कि आप जोश में हो लेकिन होश नहीं है पता ही नहीं है जोश क्यों है लोग बोलते ना बड़ा पागल हुआ पड़ा है तेरे को पता है कुछ दुनिया का लोग यूं बोलते थे मुझे जब मैं निकलता था ना पहले तो मुझे लोग ऐसे ही बोलते थे तुझे पता है कुछ मैं क्या कहते तुझे कुछ पता ही नहीं है वैसे पागल हुआ पड़ा बावला बाड़ा है लोगों ने पागल बना रखा तुझे अब तुम लागू को पागल बना रहे तो फिर मैं सोचता था मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या समझ आ रही है ना तो मैं पागल हूं ना मेरे को कोई पागल बना सकता है और मैंने जिंदगी में मैंने सोचा है किसको पागल बनाने की मैं भूखा नंगा था मैंने तब नहीं सोचा लोगों को पागल बनाने का बेब बनाने का अब तो जिंदगी बदले बदल है क्या जरूरत है है ना तो आपको जब पता चलता है दोस्तों जब आपको उस इंडस्ट्री की पावर पता हो तो आप एक गुड मार्केटर बने बेस्ट मार्केटर एक ऐसा मार्केटर जिसको लेकर अच्छा उसके लिए क्या क्वालिटी चाहिए कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है इस प्रोग्राम में आओ इस प्रोग्राम में आके सुनो सीखो समझो उन बातों को जाके बोलो अपने आप जो लोग बोले तो ना यार पागल बन गए हो बना रहे हो उनकी भाषा खत्म हो जाएगी बोले भाई साहब क्या बात है यार क्या जबरदस्त बात करते हो आप तो आप तो कमाल के हो मैं बोलता मैं कमाल का नहीं हूं मैं रामलाल का हूं तो क्या मतलब मैं कह मेरे बाप का नाम कमाल है, नहीं है मेरे बाप का नाम रामलाल है ठीक है सच के नाम है मेरे फादर का नाम रामलाल बसना है ठीक है मैं कमाल का पुत्र नहीं हूं मैं रामलाल का पुत्र हूं तो कहने का मतलब मजाक भी बोला या सच भी बोले लोग लोग समय के साथ अपनी राय बदलते हैं लिख लो डायरी में आज जो लोग पागल बोलेंगे बेबकू बोलेंगे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे ना जब हम कामयाब होते हैं ना फिर नमस्ते भी करते हैं तारीफ भी करते हैं अब जलते कितने हैं ये अंदर की बात उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकते है ना कोई भी तो आपको भी कुछ नहीं करना है मैंने कहा हमने पॉजिटिव साइड देखनी है कौन क्या सोच रहा है क्या कर रहा है वो उसका कर्म है वो खुद ही भुगतेगा आपका काम क्या है अपने काम को बेस्ट तरीके से करना है आप वेलनेस इंडस्ट्री में हेल्थ इंडस्ट्री में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नेपकिन तो एक बहाना है एक मशीन है मशीनों में खास बात क्या है क्या की मशीनों में हम कुछ नहीं करते हैं जो भी करती है मशीन करती है मतलब जैसे मैं मशीन यूज करता हूँ बीसीएम यूज करता हूं मैं कुछ नहीं करता मेरी मशीन यूज कर मशीन में करती है जो भी करती है मैं कुछ नहीं करता हूं मैं ब्रेसलेट पहनता हूं मैं कुछ नहीं करता हूं जो भी करती है ब्रेसलेट करती है रेडिएशन से बचाती है एनर्जी देती है किसी को बीपी की समस्या डाउन की हो उसमें बैलेंस होता है उसके अलावा भी जिनके बहुत सारे जोड़ों में दर्द दर्द रहती है उनको बड़ा फायदा करता है बहुत सारे फायदे करता है ये तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी करती है मशीनें करती हैं बीसीएम पे खड़े हो जाओ आप कुछ नहीं करेंगे जो भी करेगी मशीन करेगी हो गया काम तो कहने का मतलब है प्रोडक्ट सप्लीमेंट में कोई भी बात करूं मैं न्यूट्रिशन की बात करें चाहे पर्सनल केयर की बात करें होम केयर की बात करें सब में जादू है चमत्कार तो क्यों है इसलिए इसकी फाउंडेशन ही ईमानदारी पे है ट्रांसपेरेंसी पे है ऑनेस्टी पे है कुछ टाइम तक कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन 28 सालों से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता राइट तो इसलिए आपको एक अच्छा मार्केटर बनना है आपको समझना है जिस इंडस्ट्री में है आपको समझना है आपके पास में कौन कौन से टूल है ये जो आई नेट सिस्टम है एक टूल है आपकी कामयाबी के लिए शाम का नौ से दस बजे का यह वेबिनार है ये आपके लिए टूल है जो नया आदमी है समझाया उसके बाद नहीं समझ रहा है उसको भी ला सकते हो और जब जुड़ गया तो तो लाना ही लाना है और यहां आने के बाद में उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा जो जुड़ता है ना वो सिर्फ आपकी शक्ल देख के देखता है आपकी बातें सुन के जुड़ता है आपको देख के जुड़ता है या आपके ऊपर विश्वास करके जुड़ता है फिर भी उसका सौ प्रतिशत कॉन्फिडेंस नहीं होता है लेकिन जब वो पैनल में आता है और रोज सुनता है ना फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है फिर वो ये नहीं कहता है मैंने तो तुम्हें देखा था फिर वो ये बोलता है जुड़ा में तुम्हें देख के था लेकिन टीका मैं इन लोगों की वजह से हूं जो सिस्टम में है ना लीडर्स जिनकी बातें सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है समझने को मिलता है तो आपको टूल को प्रमोट करना है जब भी लोकल लीडर मीटिंग करे बीबीएस करे ट्रेनिंग करे आपके जो लीडर है जिनको आप मेंटर गुरु मानते हैं वो बोले ना मीटिंग करेंगे करेंगे ट्रेनिंग यस सर यस मैडम सौ रुपए की दो सौ रुपए की पांच सौ रुपए की कोई टिकट भी हो ओके डन पता क्या है ये ये फीस है फीस आप स्कूल कॉलेज में जाओगे ना यूनिवर्सिटी में जाते हो फीस देते हो आप पैसे आते हैं नौकरी मिल जाती है सीधे नहीं मिलती है लाखों रुपए खर्च करते हैं हम लोग उसके बाद में पता नहीं है क्या होगा और यहाँ पे ये यह लाख रुपए नहीं खर्च करने हैं और जो भी सौ दो सौ पांच सौ रुपए लेते हैं ना वहां पर वहां पे भी चाय कॉफी ठंडा गर्म कुछ ना कुछ करते हैं लोग है ना एक माहौल बन जाता है मिलकर एक काम किया जाता है तो वो वजन नहीं होता उस काम में और ये काम सबका है जब आप कुछ करते हो आप मिलकर जब आप मिलकर करते हो ना जब आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है तो फिर फीलिंग आती बता क्या है इसमें मेरा भी हाथ है इसमें मैं भी शामिल हूं जब आप कहीं पे किसी भी काज में किसी भी काम में शामिल होते हो ना उस काम में अपना बनाता है मैं भी शामिल हूं देखिए जब दान देते हैं ना जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना वो करोड़ों में दान देते हैं है ना हर साल करोड़ों रुपए का दान देते हैं करोड़ों रुपए का आप हम लोग तो कमाने की सोच रहे हैं लोग करोड़ों रुपए का दान करते हैं हर साल सोचो आप कुछ लोगों की हैसियत होती है वो लाखों रुपए में दान करते हैं कुछ लोगों की हैसियत होती है वो कुछ हजार में दान करते हैं लेकिन कुछ लोग सैकड़ों में भी दान करते हैं है ना अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से आपने दान किया ना दान करना इंपॉर्टेंट है आपने कितना किया डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर सेम चीज जब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आती है जब आप टीम में काम करते हो जब आप होते हैं टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क टीम वर्क में रहकर ही ड्रीम वर्क पूरा होता है तो टीम की स्पिरिट आती है मैं आपको बताता हूं आप कल की बात करता हूं मैं आने वाले कल की आने वाले महीने की बात करते हैं हम में से सभी सोच के चले कि मैं कल ना एक आदमी को लेके आऊंगा आप सब बैठे ना इस टाइम आप डिसाइड करो कि सर कल स्पेशल मैं लेके आऊंगा एक अलग से एक आदमी को आपने जूम में ले है कल यकीन करना ढाई सौ लोग पांच में कन्वर्ट हो जाएंगे कितना टाइम लगा मैंने आपको ये नहीं बोला कि दस लोगों को लेकर आना आपने या बीस लोगों को लेके आना या पचास लोगों को लेके आना नहीं मैं सभी से एक ही बात कह रहा हूं कि आप ठान लो हर रोज में एक नया आदमी लेके आऊंगा मीटिंग में रोज पैनल में डेली एक घंटे के लिए मैं हर रोज एक आदमी को लेके आऊंगा सर वो नया भी हो सकता है पुराना भी हो सकता है कोई भी हो सकता है क्या होगा एक आदमी और एक्स्ट्रा आने का मतलब है सबका ढाई सौ इंटू टू ढाई सौ और आएंगे पांच सौ लोग होंगे कि नहीं होगा और हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट भी यही है हम चाहते हैं कि हम पांच सौ लोगों को जल्दी से जल्दी यहां कंप्लीट करें और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इस पैनल में जो इसकी कैपेसिटी है वन थाउजेंड की है है ना हम वन थाउजेंड का पैसा दे रहे हैं हर महीने इसलिए साढ़े तीन साल से पेमेंट जारी है कितने का है साढ़े तीन सौ साढ़े साढ़े पाँच एक हज़ार लोगों का है एक हजार लोग हर रोज आ सकते हैं इतने इसके पैसे जाते हैं हर रोज एक हज़ार लोगों का पैसा देते हैं अब इसमें ढाई सौ लोग आए तीन सौ लोग आए चार सौ तो लोग आए पाँच सौ लोग आए छः सौ लोग आए हमको हजार तक की कैपेसिटी है तो क्यों ना हम वेस्ट ना होने देना हम हजार लोग आए वो अलग बात है क्या हजार हो जाएंगे तो हम दो हजार का पैनल ले लेंगे वी आर रेडी टू पे आपको रेडी होना है काम करने के लिए यकीन करना जिंदगी देखते देखते बदलती है मेरी जिंदगी देखते मेरी जिंदगी फिल्मों की तरह बदली है मैं जब नया नया था ना मैं बोलता मैं लाल रंग की गाड़ी लूंगा लाल रंग की लूंगा लाल रंग की तो लोग बड़े मजे लेते थे एक तो गाड़ी और ऊपर से भी लाल बोलता था तो लोगों को और याद रहता था गाड़ी बोल दिया फिर भी भूल जाते हैं लोग लाल बोलते हैं ना उनको याद है लाल रंग की गाड़ी बोली है उसने देखते हैं कब आती है जब आई थी ना तो मैंने दस डब्बे दस डब्बे मिठाई के खरीदे थे इकट्ठे वो भी बर्फी सबको खिलाया मैंने जिन जिनको बोल रखा था याद कर, कर करके और कौन रह गया और कौन रह गया इसको भी खिलाऊंगा है ना और सब बोलते थे तेरी है तेरी है है ना आरसी दिखाता था आरसी गाड़ी की आरसी ना देख मेरा नाम इसमें लिखा हुआ बड़ा मजा आता है आप अपनी गाड़ी की आरसी जब दिखाओगे ना किसी को बड़ा मजा आएगा आपका नाम दिखाओगे उसमें वनीता राज है ना मेरा नाम लिखा पाल भी बसना है वासुदेव कितना अच्छा लगता है कहने का मतलब ये दोस्तों आपको प्रमोट करना सीखना है जो लीडर मार्केटर कौन होता है मार्केटर का मतलब है आप प्रमोट कर रहे हो अपने टूल को प्रमोट कर रहे हो अपने इवेंट को प्रमोट कर रहे हो इससे आपके साथ में नए लोग जुड़ते हैं जुड़े हुए लोग काम करते हैं और यकीन करना एक पार्टनरशिप डेवेलप होती है ये पार्टनरशिप का काम है यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है हम खुद के बॉस हैं हम सब लोग बिजनेस पार्टनर हैं और बहुत जबरदस्त मैसिव सक्सेस चाहिए ना आपको बड़ी कामयाबी चाहिए वो टीम में हो सकती है और जो मार्केटर होते हैं ना उनको पावर ऑफ टीम पता होता है यकीन करना आप सबके सहयोग से आप सबके प्यार से आपने जो इतना इज्जत और मान सम्मान दी है जिसकी वजह से मैं बताना चाहता हूँ यहाँ शक्ति क्या है शक्ति यह है आज इस पैनल में वासुदेव सर अलग टीम है योगराज सर अलग टीम है राइट अपने पंचाल सर डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर एंड राजेश कुमार सर अलग टीम है प्रवीणा बोगरा जी अलग टीम है वनिता राज जी अलग टीम है है ना सोनल पटेल जी अलग टीम है ये लीडर की बात कर रहा हूं शेखर बोरा जी एक अलग टीम है नैना रखोलिया जी एक अलग टीम है आप समझ रहे हैं ये सारे के सारे लीडर्स आपके बीच में आते हैं अपनी बातें रखने के लिए अपना नॉलेज देने के लिए आप सोचिए दिस इज द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग एक शानदार मार्केटिंग रोल मॉडल हमने बनाया है ऐसे होता है अगर आप ही आप होते हैं ना जैसे आप भी तो करते हैं ना अपना प्रोग्राम करते होंगे छोटे वाला प्रोग्राम सुबह सुबह करते होंगे या दोपहर को करते होंगे कभी कभी करते होंगे आपके दस बीस पचास सौ लोग बैठते होंगे कैसी फीलिंग आती है काश हर रोज ऐसे ही हो लेकिन यहां पे एक ऐसी जगह है जहां पर आप हर रोज और यकीन करना ज्यादा ट्रेनिंग ज्यादा ट्रेनिंग समझ नहीं आती है समझते क्या आती है सिर्फ फीलिंग शामिल होना मस्त है आप किसी की शादी में जाते हो जिसे कोई शादी में बुलाता है किसने बर्थडे में बुलाया आपको आप बताना जहां पर आपको पता ना ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है या दोस्त है ना जहां पता यार यहां नहीं गया ना तो बुरा मान जाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा राइट आप पता क्या करते हो चाहे आप उसके बाद दस मिनट के लिए जाओ लेकिन आप जाते जरूर हो आपको यह नहीं होता कि मैं ये बहाना मार दूंगा ये एक्सक्यूज मार दूंगा ये है वह नहीं आपको क्या पता है ना आप सिर्फ वहां पे सिर्फ जाके शकल दिखा देते हो उस शकल दिखाने से मात्र से भी काम हो जाता है सेम चीज है कि जरूरी नहीं है आपने ट्रेनिंग में आके क्या क्या सीखा समझा बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ आती हैं, समय के साथ समझ आएंगी कितने कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ही समझ आती हैं उससे पहले नहीं आती समझ है।, है ना अगर आपको ये बातें जो भी चीजें बताते हैं यहां पर नहीं समझ आ रही नो प्रॉब्लम लेकिन यहां आप आते रहे आते रहे आते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे यकीन करना वो हर चीज होने वाली है आपके साथ जीवन में जिस चीज की आप जिंदगी में कल्पना करते हैं इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम का फायदा सिर्फ आप ही नहीं आपकी टीम का हर सदस्य उठाए और हमेशा आपको फायदा करेगा थर्ड पार्टी मैं आपके लिए आपकी टीम के लिए थर्ड पार्टी हूं आप डायरेक्ट में नहीं है आपकी टीम के मैं डायरेक्ट में नहीं हूं उनके लिए मैं हमेशा थर्ड पार्टी रहूंगा जितने भी हमारे सीनियर लीडर इस पैनल में आके आपको ट्रेनिंग देते हैं वो सारे के सारे आपकी टीम के लिए थर्ड पार्टी है आप उनको कैसे उनकी पिक्चराइजेशन करते हो अपनी टीम में कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हो ये डिसाइड करता है वो यहां आकर उनकी बातों को कितने सीरियसली सुनते हैं अगर आप हर रोज के प्रोग्राम को प्रमोट करें और हर रोज आपकी टीम यहां आए यकीन करना कोई टूर ऐसा नहीं है जो आपका मिस होगा कोई टूर हर टूर में आप हमारे साथ में होंगे लिख लीजिए डायरी में इस बात को क्योंकि मैजिक है यहाँ प्रैक्टिकल होता है और आज तक के पिछले बीस साल का अनुभव है मेरा आप इन कामों को अगर रेगुलर करोगे कोई टूर मिस नहीं होने वाला है आपका आपकी टीम में ना जाने कितने क्वालिफिकेशन होने वाले हैं अभी थाईलैंड टूर खत्म होने वाला है जिन्होंने किया और जिनका नहीं हो रहा उसमें एक ही फर्क है जो इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सीरियसनेस के साथ लगे रहे हैं खुद भी आ रहे हैं अपनी टीम को भी डाल रहे हैं उनका क्वालिफाई हो गया है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका मिस है लेकिन जिनका नहीं हुआ है हो सकता था बहुत बड़ा रोल ये भी रहा होगा कि वो खुद भी शामिल नहीं है उनकी टीम भी शामिल नहीं और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको आप फास्ट आप ग्रोथ चाहते हो कई गुना ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो सिस्टम से हो सकता है सिस्टम की ताकत है दोस्तों मेरी और आपकी ताकत नहीं है एक इंडिविजुअल की नहीं है इस माहौल की ताकत तो इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो ना कि जल्दी से जल्दी आपकी ग्रोथ हो कोई भी इंटरनेशनल टूर आप मिस ना करें आप जल्दी से एड्स स्टार बने ताकि आपको कार फंड में आने का मौका मिले जल्दी से एड्स स्टार बनिए और टियन से कार फंड के लिए आप एलिजिबल हो जाइए ब्रॉन्ज लाइन बनिए जल्दी से ताकि आपको ग्लोबल रॉयल्टी में होने का शामिल होने का मौका मिले और जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनना है क्योंकि लाखों रुपए की रॉयल्टी आती है गोल्ड पर इसके अलावा एक शानदार जबरदस्त इनकम होती है ड्रीम लाइफ स्टाइल बन सकता है गोल्ड लाइन बनने पर और दोस्तों जितने भी सपने हैं ना अगर उनको पूरा करना है ना इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म टिया इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आज जिस तरह का हमारे पास यहाँ माइंड है जिस तरह का कल्चर है एक सिस्टम को मजबूत करने वाला एक माहौल है आप बहुत सही जगह पे हैं सही लोगों के साथ में हैं और कोई डाउट नहीं है मुझे आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में गोल्ड लाइन बनने वाले हैं बहुत जल्दी आप इस बिजनेस में शानदार जिंदगी जीने वाले हैं इस प्रोग्राम को अभी तक आज के लिए इतना ही याद रखना पांच क्वालिटी बताई मैंने आज एक गुड लीडर की जिसमें मॉडलिंग नंबर वन था नंबर टू था दोस्तों आपके लिए एक गुड मॉडल के साथ साथ आप अपने आप को एक अच्छे मेंटर बने एक अच्छी मोनिट्रीशिप दिखाएं एक मोटिवेशनल स्पीकर बने और साथ में एक अच्छे मार्केटर बने सब मार्केटिंग करते हैं जब बच्चा मम्मी को कन्विंस करता है ना किसी चीज़ के लिए तो मार्केटिंग करता है वो जब मम्मी अपने बच्चे से कोई काम कराना चाहती है तो मार्केटिंग होती है वो एक हस्बैंड वाइफ से काम कराता है वाइफ हस्बैंड से कोई काम कराती है तो मार्केटिंग होती है हमारे गुरु जी हमें पढ़ा लिखा रहे हैं हम पढ़ते है, लिखते हैं ना वो भी मार्केटिंग है हम पढ़ने जाते हैं वो भी मार्केटिंग है दुनिया में हर जगह पर मार्केटिंग हो रही है मार्केटिंग कोई अलग से स्पेशल नहीं है मार्केटिंग यही है इस उम्मीद के साथ कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने जो सीखा उसको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी अपनाएंगे आप और साथ में अपनी टीम के अंदर भी इस भावना को आप ज़बरदस्त तरीके से डालेंगे ये मैं आपके लिए कामना भी करता हूँ दुआ भी करता हूँ और काफ़ी दिनों बाद एक स्पेशल फुल टाइम ट्रेनिंग एक घंटे की क्योंकि ये वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब में चला जाता है आपको दोबारा से रिपीट सुनने का भी मौका मिल सकता है अपनी टीम को दे के आप उनको बोल सकते हैं आप नहीं आ पाए किसी वजह से आप सुन लीजिए जाकर राइट तो ये हमने सारी सुविधा देने की कोशिश है और मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं अभी तक हमने जो किया 2024 में और अच्छा होगा 2025 में और शानदार करेंगे आने वाले पाँच छः सात साल ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी के आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं अपने गाँव में अपने टाउन में अपने कस्बे में अपनी रिश्तेदारी में दोस्ती में आप एक अलग से रोल मॉडल बनने वाले हैं एक अलग ही आपकी पहचान बनने वाली है इसमें कोई डाउट नहीं है आप पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं ना वो भी आपके नक्शे कदम दम पर चल ना जाने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को आने वाले सालों में चेंज करेंगे ये दुआ भी है तो मैं फाइनली आज के लिए मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम दूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले ईश्वर का थैंक्स टू गॉड थैंक यू टू आवर फैमिली थैंक यू टू आवर चेयरमैन ली सर थैंक यू टू यू एवरी वन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिनकी वजह से हमारी जिंदगी आज तक इतनी शानदार हुई और सभी के लिए ये दुआ है हमारी कि हमेशा ईश्वर आपको खुश रखे तंदुरुस्त रहो आप और टॉप ऑफ वर्ल्ड जिंदगी में सब कुछ मिले आपको और सपने पूरे हों आपके और लास्ट में हम लोग मैजिकल मंत्र के लिए मैं आपको इन्वाइट करूंगा और अपने मैजिकल मंत्र के साथ हम यहाँ से विदाई लेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि बोला मैं हूँ तो आप तो चुप ही थे सुनी रहे थे वन वे था तो अब आपका मौका है अपनी एनर्जी को दिखाने का और देखते हैं कितनी एनर्जी आप में बैठे बैठे राइट बढ़ गई है या कम हो गई है तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और अनम्यूट के साथ में हम अपने मैजिकल मंत्र और यही है कि अब कुछ दिन बचे हैं थाईलैंड टूर के करिए हो जाएगा और दुबई की तैयारी कीजिए अगले साल दुबई में धूम मचाएंगे हालांकि आपके लिए घूमने के लिए हम जा रहे हैं अभी इक्कीस बाईस तारीख को दुबई जा रहे हैं हम पांच सात दिनों के लिए ठीक है अगली बार फिर आपके साथ जाएंगे जो अभी नहीं जा रहे हैं हमारे साथ उनको अगली बार लेके जाएंगे और जो अब की बारी जा रहे हैं ना उनका ठेका है कि दस दस बीस बीस लोगों को लेके जाना है आपको भी राइट तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ ओवर टू यू और ये रहे आप, आपके मैजिकल मंत्र